अब इसके बाद मैं मुस्तकिल तौर पर इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए हमारे आज के ख़तीब जनाब मौलाना एक खान साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने मौजू की मुदल्लल वजाहत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लतत्तबिउन्न सनन मन क़ब्लकुम शिब्रन बिशिब्रिन व दिराअन बिदिराइन हत्ता लौ सलकू जुहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमूह। क़ुल्ना या रसूलल्लाहि अल-यहूद वन्नसारा क़ाल फ़मन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और दीगर सामईन, हर तरह की तारीफ, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह जल्ला शानहू के लिए लायक व मुनासिब है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हूँ तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा बारिक वसल्लिम अलैहि। हम में से हर शख्स को यह बात मालूम है, और नहीं मालूम है तो मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, हमारी तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए की है। तो इसका सादा सा जवाब ये मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अब हमारी इबादत किस ढंग से हो, हमारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूलियत का दर्जा कैसे हासिल कर सकती है, इसके लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाना होगा। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है, हर नाहिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कैसे खाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी कैसे पीते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशाब व पाखाना का क्या तरीक़ा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी ब्याह के ताल्लुक़ से हमारी क्या रहनुमाई फरमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रोज़े के ताल्लुक़ से हमें किस तरह से आगाह फरमाए, वगैरह वगैरह। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम सच्चे मानों में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी बात मानो। अल्लाह तक कैसे पहुंचा जाएगा, अल्लाह को राजी कैसे किया जाएगा, अगर ये हुनर अपनाना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इसका फायदा क्या होगा, यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मुआफ़ी फरमा देगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को मुआफ़ फरमाने वाला, रहम करने वाला है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान को रखिए, फिर दूसरे नाहिए से आज जो हमें आपके सामने बातें रखनी हैं कि अगर इस उसूल से हम हट जाते हैं, इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी से निकल जाती है, हम उन आमाल को अंजाम देने लगते हैं जो इस उसूल से हटकर है, तो हम कितना दूर चले जाते हैं, इस्लाम से हमारा रिश्ता कितना दूर हो जाता है, इसका अंदाजा लगाइएगा। तो आज के इस मजलिस में, इस प्रोग्राम में हमें जो आपके सामने बात कहनी है, हमारे बास आमाल के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आमाल के ताल्लुक से हमें आज के 1450 साल पहले ही आगाह कर दिया था कि खबरदार तुम ऐसे ना होना। पेशीन गोई क्यों की गई, ताकि हम उन चीजों से बचें, उनसे इज्तनाब करें। उन्हीं चीजों में सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है इत्तिबाए नबवी को छोड़ करके गैरों की इत्तिबा करना। इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले आगाह किया था। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ताकीद के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि जब तुम किताबुल्लाह सुन्नत नबवी से हट जाओगे, नबी की इत्तिबा, अल्लाह से मोहब्बत नहीं रह जाएगी, नबी की इत्तिबा से दूर हट जाओगे, तो जो लोग तुमसे पहले थे उनकी इत्तिबा ऐसे करोगे जैसे एक बालिश्त दूसरे बालिश्त के बिल्कुल हम मिसल होता है, एक बाजू दूसरे बाजू के हम मिसल होता है, ऐसे एक मुसलमान और एक यहूदी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, एक मुसलमान और एक नसरानी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही और आपने कहा हत्ता लौ सलकू जुहर ज़ुब्बिन लसलकतुमू, यहां तक कि अगर वो जो तुमसे पहले के लोग थे वो गोह के सुराख में, सांडे की सुराख में दाखिल होने लगेंगे तो तुम जरूर भी बजरूर उनकी इत्तिबा करोगे, यानी तुम भी दाखिल हो जाओगे। इस जुमले को अभी यही रखना, हत्ता लौ सलकू जुहरा ज़ुब्बिन लसलकतुमू। अभी यह बात आगे इंशाअल्लाह समझ में आएगी पूरी तरह से। उसके बाद सहाबा ने सवाल कर लिया। सहाबा दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के, नबी की इत्तिबा के और जन्नत के बड़े शौकीन थे, इसलिए कहीं भी इस तरह की बात आती थी तो फौरन सवाल कर लिया करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आगाह फरमाइए। तो यहां सवाल होता है, फ़क़ुल्ना या रसूल अल्लाह अल यहूद व नसर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मुराद यहूदी और नसरानी तो नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फमन, और कौन हो सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशेन गोई के मुताबिक अब हम उम्मते मुसलमा को देखें कि आज हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा पहनाव कैसा है, हमारे शादी ब्याह का प्रोग्राम किस तरह से होता है, हमारा खाना पीना किस तरह है। तो यकीनन जब आप मुस्लिम माशरे के अंदर झांकोगे, देखोगे, तो आपको ये अंदाजा होगा कि हम उस रंग में रंग चुके हैं। इसी बात को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में यूं पिन्हा किया है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। यानी आज मुसलमान की शबाहत देख लीजिए, उसका तौर तरीका देख लीजिए, तो आप ये फर्क नहीं कर सकते हैं कि ये यहूदी है या मुसलमान है, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की इह्या के लिए कुछ लोग कयामत तक इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे और वो दीन को जिंदा रखेंगे, लेकिन आम मुसलमानों का जो हाल हो चुका है और इस पोजीशन में दीन से दूरी इख्तियार करके मुसलमान पहुंचेगा जिसकी पेशीन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कर दी थी। आइए कुछ मिसालें आपके सामने रखते हैं। सही बुखारी वगैरह के अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा, इन दोनों से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला थे, यानी आपकी आखिरी सांसें चल रही थी। उस वक्त आप बार बार अपनी जुबान मुबारक से ये अल्फाज दोहरा रहे थे। वो अल्फाज क्या थे? लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, यहूदियों और नसरानियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो। इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मस्जिद, क्योंकि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानकनी के आलम में मरजुल मौत में मुब्तला हैं। आपके जुबान मुबारक से बार बार यह कलिमात निकल रहे, यहूदियों और नसरानियों के ऊपर आप लानत फरमा रहे हैं। लानत का सबब क्या है? अंबिया और सुलहा के कब्रों को सजदागाह बनाना। अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि जैसे एक बालिश दूसरे बालिश के हम मिसल होता है, एक बाजू दूसरे बाजू के हम मिसल होता है, ऐसे मुसलमान यहूदियों और नसरानियों के रंग में रंगेगा, उनकी शबाहत इख्तियार करेगा, उनकी पैरवी करेगा। आज देख लीजिए मुसलमान इस चीज में पीछे है। आज कब्रों की पूजा हमारे यहां भी हो रही है। आज जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं हम उनसे अपनी मुरादें मांगते हैं, उनके नाम की कव्वालियां होती हैं, उनके नाम की चादरें चढ़ाई जाती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस क़बाहत से, इस शनात से, इस बुराई से बहुत पहले आगाह कर दिया था कि खबरदार, होशियार, इस चीज से बच के रहना। और ये इसकी खतरनाकी, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा दूसरों को मदद के लिए पुकारना ये शिर्क है, और शिर्क इतना अजीम गुनाह है कि अगर इसी हालत में किसी की मौत हो जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन युश्रिक बिल्लाहि फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह के साथ किसी को जोड़ा, अल्लाह के साथ किसी को पुकारा, अल्लाह के साथ किसी को हाजत रवा और मुश्किलों को सा समझा, अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी है। इतनी खतरनाक चीज है। और आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पेशीन गोई को जहन में रखिए और मुसलमान के इस अमल को जहन में रखिए कि आपके पेशीन गोई के मुताबिक हम किस कदर गैरों के रंग में रंग चुके हैं, गैरों की वजाकता को इख्तियार कर चुके हैं। और हम सबको इसके तई बेदार होना चाहिए और कहीं से भी हम इन अमाल में मुनामिक हैं फौरन अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहिए। दूसरी मिसाल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं तो कहते हैं कि मेरे गले में सोने की एक सलीब लटकी हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस सलीब को देखा तो कहा, ऐ अदी, इस बुत को उतार फेंको। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि आपने कुरान करीम की यह आयत करीमा पढ़ी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह। इन यहूदों नसारा ने अल्लाह को छोड़ करके अपने उलमा और दरवेशों को रब बना लिया। अल्लाह को छोड़ करके अपने उलमा को और अपने सुलहा को रब बना लिया। उसके बाद हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ अदी, ऐसा नहीं है कि वो लोग अल्लाह को छोड़ करके अपने उलमा की पूजा करते थे, नहीं, बल्कि जिन चीज़ों को उन्होंने हलाल कह दिया बगैर तहकीक के इन्होंने उसको हलाल समझ लिया, और जिस चीज को उन्होंने हराम कह दिया बिला तहकीक के उसको हराम समझ लिया। हालांकि इस चीज का इख्तियार, किसी चीज को हलाल करना या किसी चीज को हराम ठहराना, ये किसके जिम्मा है? अल्लाह के जिम्मा है। तो जो काम अल्लाह का था, अल्लाह के लिए वो चीज होनी चाहिए थी, आपने उलमा और सुलहा को वो चीज दे दिया, यानी उन्होंने जिस चीज को हलाल कह दिया उसको हलाल समझ लिया और जिस चीज को हराम कह दिया उसको हराम समझ लिया। यही रब बनाना है। अब इस चीज को भी देखिए, इस अमल के भी ताल्लुक से देखिए, क्या वो चीजें उम्मते मुसलमा के अंदर नहीं आ चुकी? यकीनन आ चुकी हैं। आज हम बिला किसी तामुल के, किसी इमाम ने कह दिया कि ये चीज़ ऐसी है, हम उसको नापते नहीं है, तोलते नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है या नहीं कही है, हम आंख बंद करके उसको तस्लीम कर लेते हैं। किसी आलिम ने कोई बात कही, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं देखते हैं। ठीक है, आलिम साहब ने कह दिया, इमाम साहब ने कह दिया, यही बात सही है। ये कमी है, और कैसी कमी है? वही कमी जिसकी पेशेंगोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कह दी थी, लतत्तबिउन्ना सनन मन क़ब्लकुम, अलबत्ता जरूर जरूर तुम अपने से पहलों की पैरवी करोगे। तो ये उसी पैरवी में आता है कि बगैर तहकीक के किसी आलिम की बात को मान लेना, तस्लीम कर लेना, ये ना देखना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि नहीं कही है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्न अला उम्मती मा अता अला बनी इसराइल, अलबत्ता जरूर बा जरूर मेरी उम्मत भी उस सूरत हाल से दो चार होगी जिससे बनी इसराइल दो चार हुए। हदवन्नाली बिन्नाली, वैसे ही जैसे एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल हम मिसल होता है, एक जोड़ी जूता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ऐसे उम्मते मुहम्मदिया बनी इसराइल के रंग में रंग जाएगी, उनके तौर तरीके को अपना लेगी। एक यहूदी, एक मुसलमान, एक नसरानी और एक मुसलमान में कोई इम्तियाज, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अब आइए, जो मैंने आपसे कहा था कि हत्ता लौ सलकू जुहरा ज़ब्बिन लसलक्तुमूह, दरअसल ये जो ज़ब्ब होता है, सांडा, ये अरब के अंदर खास तौर से नजद के इलाके में पाया जाता है, और इसका जो ठिकाना होता है, सुराख होता है, ये जहां रहता है, ऐसे भूल भुलैया टाइप का अपना जो है ये आशियाना बनाता है या सुराख करता है कि वहां तक पहुंचना किसी शिकारी का बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से कोई वहां तक पहुंच सकता है। इस तरह से वो अपना आशियाना या अपना घोंसला या अपना ठिकाना बनाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहाँ तक कि यहूदी नसरानी गोह के सुराख में भी दाखिल होंगे तो अलबत्ता तुम भी उसमें दाखिल हो जाओगे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे एक जूता दूसरे जूते के हम मिसल होता है, जोड़ी जो जूता होता है, ऐसे उम्मत मोहम्मदिया बनी इसराइल के रंग लगेगी। हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अला नियतन लकान फी उम्मती मन यसनाउ ज़ालिक। यहां तक कि उनमें से कोई शख्स एलानिया तौर पर अपनी मां के साथ बदकारी करेगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स जरूर आएगा जो इस काम को करेगा। मुश्किल चीज है ना, मां के साथ बदफाली करना, मां के साथ बदकारी करना। बड़ी सोचते हैं तो ये भी मतलब जो ज़ेशोर इंसान है या अच्छा इंसान है तो उसका दिल दहल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे गोह के सुराख में मुश्किल से पहुंचा जा सकता है, ऐसे मेरी उम्मत दूसरों के रंग में ऐसे रंगेगी कि माँ के साथ बदफाली करना, माँ के साथ बदकारी करना बड़ा मुश्किल काम है और बड़ी कमी हरकत है, लेकिन मेरी उम्मत के लोग इस चीज को भी कर डालेंगे, इतना दूसरों के रंग में रंगेंगे। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात मैं अब कहना चाहता हूं, इस तीसरी मिसाल के तहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, वइन्न बनी इसराइल इफ्तरकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। बनी इसराइल ये 72 फिरकों में बट गए थे। कैसे बटे थे? ऐसे ही जैसे इत्तखदु अहबारहुम व रुबानहुम की तफसीर है कि अपने उलमा या सुलहा की बातों को बगैर दलील के तस्लीम कर लेना। तो उम्मत मुसलमा के अंदर भी जो ग्रोह बंदी, तफरकाबाजी, टोलियों में बंटना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से ताल्लुक़ रखती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इसराइल ये 72 टोलियों में बटे थे और मेरी उम्मत ये 73 फिरकों में बट जाएगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, सिवाय एक। फिर यहां सहाबा का एहसास बेदार हुआ, जहां भी उनको कुछ डिफिकल्ट लगता था फौरन सवाल। देखिए सहाबा का एहसास देखिए, एक उम्मत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह से बेहसी इनके अंदर आएगी कि किसी बात की कोई तहकीक नहीं। यहां देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही कि सब के सब जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। सहाबा कितने मुतासिस थे, फौरन सवाल किया, उमनिया या रसूल अल्लाह, वो एक गिरोह जो कामयाब होगा, जो कामरान होगा, जो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही थी इसको गांठ बांध लो। आज भी अगर हम चाहते हैं कि तफरकाबाजी से दूर रहें और हम एक उम्मत वाहिदा बन के रहें तो इस उसूल को हमेशा गांठ बांध के रखना होगा, याद रखना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस उसूल पर, जिस दस्तूर पर, जिस कानून पर मैं हूं और मेरे ये जानेसार हैं, ये जो शख्स इस उसूल पे जिंदगी गुजारेगा वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो तफरकाबाजी से बच जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशीन गोई की थी कि तुम यहूद और नसारा के रंग में रंगोगे, वो इससे मुस्तस्ना हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आज भी कामयाबी का मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन और सलफ सालिहीन का मनहज है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई करते हुए फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयुसीब उम्मती दाउल उमम अन करीब, मेरी उम्मत ये दाउल उमम में मुब्तला हो जाएगी। दा बीमारी को कहते हैं, उमम जो उम्मतें गुजर चुकी। फिर यहां सवाल होता है क़ालू या रसूल अल्लाह व मा दाउल उमम, साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दाउल उमम क्या चीज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दाउल उमम की तशरीह कर रहे हैं। अल अश्रु वल बतू, तकब्बुर और घमंड करना, फख्र गुरूर में मुब्तला होना, ये दाउल उमम है। वत तकासुर वत तनाफुसु फिद दुनिया, ज्यादा माल की चाहत और दुनिया में एक दूसरे से मुकाबला करने की सही और कोशिश करना। वत्तबागुजु, और एक दूसरे से बुगजो कीना रखना। वत्तहासुदु हत्ता यकून अलबगयु, और एक दूसरे से हसद इस कदर रखना कि मामला जुल्म तक पहुंच जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाउल उमम की तशरीह की। अब हम अपने आप को इस पेशीन गोई पर भी तोलें, क्या हमारे अंदर ये बीमारी नहीं आ चुकी है? फख्र गुरूर में हम मुब्तला नहीं हो चुके हैं? ज्यादा माल की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा नहीं हो चुकी है? दुनिया में एक दूसरे को पिछाड़ने के होड़ में हम नहीं लगे हुए हैं? बुग़्ज़ो हसद के शिकार हम नहीं हैं? यकीनन ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आ चुकी हैं। और आप देख लीजिए, इसी इलेक्शन के माहौल में देख लीजिए, अभी आपने सुना होगा कि ग़ालिबन बदायूं का वाक़या कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को बातों बातों ही पर कत्ल कर दिया। इलेक्शन के मौजू पर बहस छिड़ी और बहस छिड़ते छिड़ते वो इतना उस अना का शिकार हुआ, उसको उसकी बात इतनी बुरी लगी कि उसने उसका कत्ल कर दिया। तो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा कि तुम एक दूसरे का, हालांकि मुसलमान के खून की अजमत, मुसलमान का खून खाने काबा से भी ज़्यादा मोहतरम है। लेकिन हमारे अंदर ये सारी बीमारियां इस कदर पैदा होंगी कि हम एक दूसरे का खून बहाने में भी दरेक नहीं करेंगे। आज मुसलमान मुसलमान के जान का खुद सौदा कर रहा है, मुसलमान मुसलमान के जान को लेने पर तुला हुआ है। तो हमारे अंदर ये सारी बीमारियां जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो आ चुकी हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी पस्ती और जुबोहाली के ताल्लुक से भी पेशीन गोई की। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, अबू दाऊद की रवायत है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूशकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा। अन करीब ऐसा वक्त भी आएगा कि दूसरी कौमें तुम्हें मिटाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमलावर होंगी जैसे खाने वाला खाने के दस्तरखान या प्याले की तरफ दौड़ता है कि कब हम खाएं, हमारा पेट बढ़े, और जो चीज हमारे सामने रखी हुई है उसको कब हम अपने पेट के अंदर कर लें, उसको निगल लें। ऐसे दूसरे लोग तुम्हें निगलने की कोशिश करेंगे। फ़क़ाल क़ाइल, सवाल करने वाले ने, देखिए यहाँ फिर सवाल हो रहा है, सहाबा कितने मुतासिर थे। इसीलिए कुरान ने कहा है ना, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यद'ूना रब्बहुम खौफ़न व तमा, बिस्तर पर भी वो लेटे रहते हैं, उनको चैन नहीं मिलता है, उठ जाते हैं, अल्लाह को याद करने लगते हैं, रब से गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि उनको डर भी होता है, लालच भी होती है। वह एहसास हमें अपने अंदर लाना होगा अगर हम इन सारी बुराइयों से बचना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से हमें आगाह कर दिया है उनसे हम आगाह होना चाहते हैं तो वो फिक्र, वो एहसास हमें अपने अंदर लाना होगा। तो एक सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया, व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़ या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? हम थोड़े लोग होंगे क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अंतुम यौमइज़िन कसीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ सैल, नहीं, तुम तादाद में कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद अच्छी खासी होगी। उस वक्त तुम लोग बहुत अच्छी खासी तादाद में होगे। लेकिन लेकिन अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत को निकाल देगा। क्यों निकाल देगा भाई? इसलिए कि जब हम खुद उनकी बुराइयों में मुलविस हो चुके हैं, उनके अंदर जो खामियां थी उनको खुद हमने अपना शेवा बना लिया है, तो जाहिर सी बात है हमारी हैबत उनके अंदर कहां रह जाएगी? वो शान, वो जलालत, वो मकाम, वो मर्तबा कहां रह जाएगा? उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी हैसियत ऐसे हो जाएगी जैसे सैलाब के ऊपर तिनके बहते हैं, बेहैसियत होते हैं, उनके अंदर कोई वजन नहीं होता है, ऐसे तुम बेवजन हो जाओ। और तुम्हारे अंदर वाहन नामी चीज पैदा हो जाएगी। अब देखिए, सहाबा को जहां कोई दुश्वारी लगती थी फौरन सवाल करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगी, अब फिर सवाल कर दिया, वमल वहन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वहन क्या चीज है? क्या हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। आज दुश्मनाने इस्लाम, जो लोग हमें मिटाने के दर पे हैं, आज हमारी इसी कमजोरी का फायदा उठा। हमारे अंदर ये चीज आ जाए कि ये दुनिया फानी है, एक ना एक दिन हमारी सांसें उखड़ जाएंगी और वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है, जब अल्लाह चाहेगा उसी वक्त मौत आ जाएगी। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बल्कि मौत तो ऐसी हकीकत का नाम है कि आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, आ जाती है वहां मौत जहां घर नहीं होता, बहुतों को कफन तक भी मैसर नहीं होता। मौत ऐसी हकीकत का नाम है। अगर उसी को हम बुला दें, हमारे अंदर ये अरे इसको कुछ कहेंगे मार देगा हमें, यार हमने इतनी सब बिल्डिंग खड़ा की है, कितना लंबा कारोबार सब किया, सब तो बर्बाद हो जाएगा, ये सब दूसरे लोग लूट ले। ये एहसास जिस कौम के अंदर आ जाए फिर वो कामयाब नहीं हो सकती। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले ये बात कही थी। आज हम और आप उम्मत मुस्लिमा को देखें, अपने हालात को देखें, क्या ये बीमारी हमारे अंदर पैदा हो गई है कि नहीं हो गई? हम कैसे कामयाब हो सकते? दूसरों के अंदर हमारा खौफ, हमारा रोब, हमारा दबदबा, हमारी शान कैसे कायम हो सकती है? तो हमें अपने एहसास को बदलना होगा। हमारे एहसास जो मुर्दा हो चुके हैं उनको जिंदा करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी और गैरों की इत्तिबा को छोड़ना होगा और सहाबाए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम अजमईन जैसा एहसास पैदा करना होगा। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह करने के लिए, हमें मुतनब्बह करने के लिए एक बात यह भी बहुत पहले बता दी थी, ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद। क़यामत उस वक्त तक वाक़ि नहीं होगी जब तक कि लोग मस्जिदों को आबाद करने के बजाय उनको बनाने संवारने में एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है कि मस्जिदें आबाद करने की फिक्र नहीं रह जाएगी। फिक्र किस चीज की होगी? लोग खूब पैसे खर्च करेंगे, लोग खूब निछावर करेंगे, खूब आलीशान से आलीशान मस्जिद, लेकिन नमाज के मामले में बिल्कुल ढीले होंगे। मस्जिदों के आबाद करने की उनको फिक्र नहीं रहेगी। यह कयामत की निशानी है। कयामत वाक़ होने से पहले पहले ये चीज भी होगी। हम और आप इस चीज को भी देख लीजिए, इस चीज का भी अंदाजा कर लीजिए। आज मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें मर्फिया खां हैं कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिबे औसाफे हिजाजी ना रहे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम को सीखा, नमाज के इतने पाबंद बने कि वो जब तक नमाजों को अपने उसके वक्त पर अदा नहीं कर लेते थे उनको चैन नहीं मिलता था। आज हम हैं, कुछ नमाजी हैं तो जहां जैसे चाह पढ़ ली, मस्जिद में आए भी नहीं भी आए, एक वक्त की पढ़ ली, दो वक्त की पढ़ ली, कोई परवाह नहीं। लेकिन मस्जिद में अरे ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है, इसको ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आलीशान होना चाहिए, ये फिक्र है हमारे अंदर। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समिअ निदा फलम यातिही ला सलात लहु इल्ला लिउज़्र, कि जिस शख्स ने अजान की आवाज सुनी और मस्जिद में हाजिर नहीं हुआ, उसने गरचे नमाज पढ़ ली है, अगर कोई शरई उज़्र नहीं है तो उसकी नमाज ही नहीं हुई। तो बहरहाल कहना यह चाहता हूं कि यह चीजें भी इबादत गाहों को संवारना और इबादत में तसाहुली का शिकार होना, यह भी गैरों का सेवा है। आज ये बीमारी भी हमारे अंदर आ चुकी है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह करते हुए फरमाया था, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयातियन्न अलन नासी ज़मानुन, कि लोगों पर एक ऐसा दौर आने वाला है कि आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा, लायुबाली, कोई परवाह नहीं करेगा, बिमा अखजल माल, जो माल वो हासिल करता है, अमीनल हलाली अमीन हरामी, कि ये हलाल जरिए से आ रहा है या हराम जरिए से आ रहा है, ये तमीज उठ जाएगी। बस माल आना चाहिए कैसे भी आए, ये नहीं कि हराम हमारे लिए हराम है, हलाल हमारे लिए हलाल है, ये चीज होना चाहिए, ये तमीज ही लोगों के जहनों से उठ जाएगी। इस चीज की भी पेशीन गोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है कि अलबत्ता जरूर ब जरूर ऐसा दौर भी आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज को खो देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पेशीन गोई को देखिए और फिर हम अपने अमाल का जायजा लें कि क्या यह चीज भी हमारे अंदर आ गई है कि नहीं आ गई। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा, बल तु'थिरून अल-हयात अद-दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, हकीकत यह है कि तुम लोग दुनियावी जिंदगी को तरजीह देने लगे हो और मामला यह है कि आखिरत यह बेहतर है और बाकी रहने वाला है। और दुनिया को अल्लाह ताला ने क्या मताए कलील कहा कि थोड़ा सा साजो सामान है। आपकी आंखें बंद हुई, आपकी रूह कब्ज हुई, सब कुछ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, अब आपके अमाल ही आपके साथ जाएंगे। तो बहरहाल हलाल और हराम की तमीज़ करना भी हमारी कामयाबी के लिए एक बेहतरीन जरिया है, जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हमारे लिए आगाही कर दी थी। इसके अलावा बहुत सारे अमाल हैं जिनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेशीन गोई की है। बहरहाल अब मैं अपनी बात को इन्हीं बातों पर ख़त्म कर रहा हूँ, इस खुलासे के साथ कि हमें गैरों की इत्तिबा से बचना चाहिए। इत्तिबा किसकी होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए। इसी तरह से हमें तफरकाबाजी से, शिरकिया अमाल से, और इसी तरह से फख्र, जो गुरूर घमंड है, बुग़्ज़ो हसद है, एक दुनिया के मामले में एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश है, इन सारी चीज़ों से हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी खतरनाकी का जरिया हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत पहले आगाह कर दिया है और हमें अपने अंदर अज़्म हौसला पैदा करना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी आखिरत को संवारने के लिए और दुनिया के जो फितन हैं उनसे बचने के लिए जो आगाहियाँ हमारे लिए की हैं, हमें आगाह रहना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल तो हम सब के अंदर सही इस्लामी फिक्र पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के अंदर हकीकी मानों में इत्तिबाए नबवी का जज्बा पैदा फरमा दे और हम वही काम करें अल्लाह जिनसे राज़ी हो, खुश हो जाए, हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, क्योंकि तू ही मुश्किल कुशा है और तू ही हाजत रवा है और तू ही तमाम तरह की चीज़ों पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर हम सबको रख, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जो नेक और जायज़ ख्वाहिशात है, ख़ास तौर से जो हमारे तलबा हैं जिस मकसद को लिए के लिए ये यहाँ इकट्ठे आए हैं और दीन का तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह इनको इनके मकसद में कामयाब कर दे और इसी तरह से हम सारे लोगों के जो भी जायज़ मकासद हैं अल्लाह उनको पूरा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तो दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरुई और कामयाबी नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।